व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के दौरान महिला को कौन कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। आप ये सब जानते हैं, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता कई गुना बढ़ जाती है। महिलाओं को ना सिर्फ अपना स्वास्थ्य के लिए बल्कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी ऐसी डाइट जो पोषक तत्वों से भरपूर है, ताकि महिला और बच्चा शारीरिक तौर से स्वस्थ रहें। तो चलिए बात करते हैं। पहला है ओट्स। दोस्तों, ओट्स में फाइबर, विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम और कई मिनरल्स पाए जाते हैं, जो माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद है। ओट्स पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसको खाने से कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम भी नहीं आती, जो कई बार प्रेग्नेंट महिलाओं में देखी जाती है। दूसरा है बादाम। प्रेगनेंसी के दौरान बादाम का सेवन भी करना अच्छा होता है। बादाम में फॉलिक एसिड और ओमेगा एसिड पाया जाता है, जो प्रेग्नेंट महिलाओं के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बादाम का सेवन करने से बच्चे का दिमाग भी बढ़ता है और उसे शारीरिक तौर पर ठीक रखने में भी मदद मिलती है। तीसरा है अंडे। दोस्तों, अंडों में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, खासकर फॉलिक एसिड, एमिनो एसिड मौजूद होता है। एमिनो एसिड माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा होता है। अंडों में कैल्शियम भी पाया जाता है, जो शिशु के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके दिमाग को भी विकसित करता है। चौथा है दालें। गर्भावस्था के समय महिला को पौष्टिक आहार लेना जरूरी होता है। महिला को हर प्रकार की दालें जैसे चना, मसूर, उड़द, हरहर को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। दाल में हाई फाइबर और प्रोटीन होता है, जिसका सेवन से शिशु और महिला के स्वास्थ्य को अच्छा पौष्टिक फाइबर मिलेगा। पांचवा है पालक। पालक में आयरन और फॉलिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसका रोजाना सेवन करने से प्रेगनेंसी के दौरान महिला में एनीमिया की शिकायत नहीं आती। कई बार महिला में हार्मोनल बदलाव की वजह से कब्ज और पाचन संबंधी समस्या को जूझना पड़ता है, तो पालक का सेवन करने से इन समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है। इसी प्रकार पालक की तरह और हरे पत्तेदार सब्जियां प्रेग्नेंट महिला को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, जैसे घिया, तोरी, मेथी, ब्रोकली। ये सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर, इनमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन, पोटेशियम माँ और बच्चों के शारीरिक विकास को बढ़ाती हैं और उनको हेल्दी रखने में मदद करती हैं। छठा है पनीर। पनीर में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और भरपूर मिनरल्स होते हैं, जिसका सेवन करने से माँ और बच्चे दोनों की सेहत में बहुत फ़ायदा मिलता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिला को थकान, बेचैनी, कमजोरी महसूस होती है, तो पनीर का सेवन करने से उन्हें पर्याप्त मात्रा में एनर्जी और स्टेमिना उनकी बनी रहती है। इसी तरह दूध। गर्भावस्था में महिलाओं को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। कई बार कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो दूध का सेवन करने से ना सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं बल्कि माँ और बच्चे दोनों के शरीर को स्वस्थ रखने में भी बहुत लाभदायक है। दोस्तों, ध्यान रखें, दूध कच्चा ना पिए, बॉयल करके ही पिए, ताकि सारे कीटाणु दूध से ख़त्म हो जाएं। सातवां है बीन्स यानी कि फलियां। दोस्तों, फलियों में कई फाइबर्स होते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। बीन्स का सेवन करने से शरीर की कमजोरी दूर रहती है और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं में कब्ज की समस्या बिल्कुल नहीं आती। आठवां है फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर। दोस्तों, ये कहने में बहुत ही आम सब्जी है, लेकिन इसके गुण गर्भवती महिला के लिए औषधि से कम नहीं है। फूल गोभी का सेवन करने से ना सिर्फ हार्ट और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दूर रहती है, बल्कि पल रहे शिशु में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में भी बहुत ही मदद मिलती है। नौवां है फल। दोस्तों, ये सब जानते हैं, फलों में पौष्टिक फाइबर होते हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाओं को खाना बेहद ही ज़रूरी है। सेब, केला, अनार, ये सब फल प्रेग्नेंसी में बेहद ही लाभकारी हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व होते हैं, जो गर्भावस्था महिलाओं को शारीरिक तौर पर बिल्कुल कमज़ोरी नहीं आने देते। इसी तरह से तरबूज यानी कि वाटरमेलन, ये गर्मियों का बेहद ही फायदेमंद फल है। दोस्तों, प्रेग्नेंट महिला का पानी ज़्यादा पीना अच्छा होता है। तरबूज में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। दसवां है जामुन। जामुन में ऐसे कई तरह के विटामिन्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसका सेवन करने से ना सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान माँ का दिल स्वस्थ रहता है, बल्कि बच्चे का दिल भी स्वस्थ और बेहतर बनता है। अगर माँ को किसी भी तरह की दिल की बीमारी है, तो जामुन का सेवन करने से ये बीमारी माँ से बच्चे में फैलने से रोकता है।
11वां है किशमिश। प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे से खाना बहुत ही जरूरी होता है ताकि बच्चे को भी सही मात्रा में डाइट मिल सके। किशमिश में फाइबर, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो गर्भवती महिलाओं को भूख को बढ़ाने में आपकी मदद करती है और साथ ही उनको थकावट महसूस नहीं होने देती। 12वां है खजूर यानी कि डेट्स। आजकल के खाने पीने में सबसे गुणकारी माना जाता है खजूर। ये ना सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक होता है। ये प्रेगनेंसी के दौरान खाना और भी अच्छा होता है। रोज सुबह नाश्ते में खजूर को शामिल करें और दोपहर के खाने के बाद भी कुछ खजूर खाएं। लेमन वाटर। दोस्तों लेमन में विटामिन सी ज्यादा होता है जो महिला को प्रेगनेंसी के दौरान चक्कर आना, उल्टी से रोकता है। कई बार गर्भवती महिलाओं के पैरों में सूजन और दर्द भी रहती है। इस दर्द और सूजन को आप सुबह नींबू पानी पीकर दूर रख सकते हैं दोस्तों, लेकिन ज्यादा नींबू का इस्तेमाल ना करें, इससे पेट की गड़बड़ी भी हो सकती है। इसी तरह से टमाटर। टमाटर में विटामिन ए, विटामिन सी, फॉलिक एसिड होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, दांतों मसूड़ों को स्वस्थ रखता है और साथ ही इसमें आयरन भी होता है जो शरीर में ब्लड की कमी नहीं आने देता। आप टमाटर का सेवन सूप से करें या सलाद से करें, दोनों तरह से ही लाभदायक है। आखिरी है आंवला। आंवला का सेवन भी प्रेग्नेंट वुमन के लिए बहुत ही अच्छा है। आंवला में विटामिन सी, आयरन ज्यादा होता है जिसका सेवन करने से खून साफ होता है और साथ ही पल रहे बच्चे तक खून और ऑक्सीजन आराम से पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ खाने पीने की चीजें जो प्रेगनेंसी के दौरान लेना बहुत ही लाभकारी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो चैनल ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी।